जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन हमारा जेंट्स स्वेटर के लिए है। इस डिजाइन को आप बेबी स्वेटर में भी डाल सकते हैं। इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारा उल्टी सीधी सिलाइयों का डिजाइन है। ये डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों का है और इसके अंदर हम 5 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं। 2 फंदे हमारे एज स्टिच के और 1 फंदा हमारा एक्स्ट्रा रहता है, इससे हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा रहते हैं। तो चलो हम इससे अपने डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी ऊन से इसके अंदर हम फंदे डालते हैं। इससे मैं अपनी सिलाई के अंदर 5 के मल्टीपल में 15 फंदे डाल लिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो कुल हमारे इसमें 18 फंदे हो गए। अपनी रॉन्ग साइड से मारिए तो सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा बना लिया है। अब इसके अंदर अपनी बॉर्डर की रो निकालेंगे। तो पहला फंदा मैं सीधा बनाती हूँ, फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करके अगले फंदे को उल्टा बनाती हूँ, फिर ऊन को पीछे करके सीधा बनाती हूँ। जिस तरह हम अपना नॉर्मल बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह इसके अपने बॉर्डर की मैं 2 सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद अपना हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। अब मैंने बॉर्डर की 2 सिलाई निकाल ली है। अब इसके बाद अपने डिजाइन की हम फर्स्ट रो बनाएंगे। ये हमारे 4 सिलाई का डिजाइन है। तो फर्स्ट रो में पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारा उल्टा आ रहा है, नहीं तो हम इस फंदे को नीचे से बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसमें सीधा बना लेती हूँ। फिर आगे उनको आगे करेंगे। आगे के 4 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाऊंगी। फिर उनको पीछे करके हम इस फंदे को सीधा बना लेते हैं, फिर उनको अपनी तरफ करते हैं, आगे के 4 फंदे हम उल्टे बनाते हैं, 2 3 4, फिर उनको पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाते हैं। इसी तरह हमारा ये पैटर्न रिपीट होता है, एक फंदा सीधा 4 फंदे उल्टे। लास्ट वाले फंदे को हम दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। इससे हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो कम्प्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम सेकंड रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड्स है। इसमें जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरह से बनाना है। तो आगे के 2 फंदे हमारे जो हमने सीधे बनाए थे, तो पहला फंदा स्लिप करती हूँ, आगे का फंदा हम उल्टा बनाते हैं, फिर उनको पीछे करेंगे। 4 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, तो रॉन्ग साइड में 4 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, 2 3 4, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इसी तरह रिपीट होते हुए हमारे डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है, जो हमारी रॉन्ग साइड से। इसमें 4 फंदे हम सीधे बनाते हैं, एक फंदा उल्टा बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए ये सेकंड रो भी हम कंप्लीट करते हैं। लास्ट के दोनों फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब अपने डिजाइन की हम थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में पहला फंदा स्लिप करते हैं, दूसरा फंदा हमारा सीधा आ गया, तो इस फंदे को ऊपर से ना बना के इसको या नीचे से बनाएंगे हम, इसे सीधा ही बनाएंगे। फंदे को छोड़ देंगे अपने को, फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाते हैं। अब इन 4 फंदे जो हमारे उल्टे थे, इसमें से बीच के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो हमने एक फंदा सीधा बनाया, दूसरा सीधा बनाया, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो जो हमने 4 फंदे अपनी फर्स्ट रो में उल्टे बनाए थे, उसमें से 2 फंदे बीच के सीधे बनाएंगे, आगे पीछे के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर हमारा सीधा वाला फंदा आ गया, सीधे वाले फंदे को ऊपर से ना बना के इसको नीचे से बनाएंगे। फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करेंगे और हम 2 फंदे बीच के सीधे बनाते हैं, फिर ऊन को अपनी तरफ करते हैं, एक फंदा उल्टा बनाते हैं। ऊन को पीछे करके हमारा सीधा फंदा आ गया, जिसे हम ऊपर से ना बना के नीचे से बनाते हैं। इस तरह हमारा ये डिजाइन रिपीट होता है। 4 फंदों में से एक फंदा उल्टा बनाते हैं, बीच के 2 फंदे हम सीधे बनाते हैं, फिर अगले फंदे को हम उल्टा बनाते हैं, फिर उनको पीछे करेंगे, हमारा सीधा फंदा आ गया, सीधे फंदे को ऊपर से ना बना के उसे नीचे से बनाते हैं, और लास्ट के फंदे को भी हम सीधा बना लेते हैं। इससे हमारी डिजाइन की थर्ड रो कम्प्लीट हो गई। अब अपने डिजाइन की फोर्थ रो में आ गए। पहला फंदा स्लिप करती हूँ मैं, अगला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, उसे उल्टा बनाते हैं। आगे का फंदा हमारा एक हमने उल्टा बनाया था, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर आगे के 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। जो फंदा जैसा दिखता है हमारी रॉन्ग साइड में, हमें वैसा ही बनाना है।
ये फंदा हमारा सीधा है, फिर उनको आगे करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर उनको पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, फिर बीच के दो फंदे उल्टे। इस तरह बनाते हमारे डिजाइन की ये फोर्थ रो कंप्लीट होती है और इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। इसी तरह हमारी ये चार सिलाइयाँ कंप्लीट होती है। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, फिर वापस से अपने इसी जगह पे हम डिजाइन बनाएंगे, जिसमें हमने ऊपर से ना बना के हमें नीचे से बनाना है। नहीं, पहले फंदे सीधे को हमें नीचे से बनाना रहता है, फिर उनको अपनी तरफ करते हैं आगे के। अब चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी। एक फंदा सीधा बनेगा जो हमारा नीचे से बनेगा, ऊपर से नहीं। एक फंदा सीधा, फिर चार फंदे उल्टे। इस तरह रिपीट करते हुए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह है। बस हमें इसमें नीचे से ही सीधे फंदे को नीचे से बनाना रहता है। अब अपनी रॉन्ग साइड में आ गए। रॉन्ग साइड में जो फंदा हमारा जैसा दिखता है हमें वैसा ही बनाना है। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, अगला फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनाऊंगी। बीच के चार फंदे हम सीधे ही बनाएंगे, चारों फंदे सीधे बनेंगे। एक, दो, तीन, चार। बीच के चार फंदे हमारे सीधे बन गए, उनको अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा। इस तरह बनाते हुए हमारे डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए, जो हमारी राइट साइड से होगी। फिर से हमारा डिजाइन चेंज हो जाएगा। पहला फंदा स्लिप करते हैं और अगले फंदे को ऊपर से ना बना के हम नीचे से बनाते हैं इस तरह से। फिर अपनी उनको अपनी तरफ करते हैं और एक फंदा हम उल्टा बनाते हैं। अब बीच के दो फंदे इन्हें वापस से हम सीधा बनाएंगे, फिर लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएं। तो बीच के चार फंदों में से बीच में जो चार फंदे होते हैं उनमें से दो फंदे सीधे बना लेते हैं और आगे पीछे के फंदे को उल्टा बनाते हैं। फिर सीधे फंदे को उनको पीछे करके हम सीधा बनाते हैं। जिस तरह से हमने अपने डिजाइन की थर्ड रो बनाई थी, उसी तरह से हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन की फोर्थ रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से है। रॉन्ग साइड में जो फंदा जैसा दिखता है हमें वैसा ही बनाना है। पहला फंदा स्लिप करते हैं, आगे का फंदा हम उल्टा बनाते हैं, उसके बाद अगला फंदा हमारा सीधा है तो उसे सीधा बनाएंगे। बीच के दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, इन्हें उल्टा बनाते हैं, फिर अगले फंदे को हम सीधा बनाते हैं। जिस तरह हमने अपने डिजाइन की फोर्थ रो बनाई थी, उसी तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा ये डिजाइन बनता है। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता है। तो इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।